सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं समीर बट फिटनेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आसूस के वीवो बुक लैपटॉप के बारे में, जो कि मैंने अमेजोन से रिसेंटली परचेज करा था। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं रिव्यू करता हूँ इस वीडियो में इस पूरे लैपटॉप का, कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड ऑल दैट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जाके कर दें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे, उनको आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की। जैसे कि आप देख रहे हैं X515E, ये आसूस का वीवो बुक लैपटॉप मॉडल नंबर है। और रेस्ट बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये आसूस का ब्रांड लोगो यहाँ पे दिख रहा है, सर्च फॉर द इनक्रेडिबल। तो गाइस जैसा एक देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट सिल्वर कलर में लैपटॉप की जो इस कलर में मिल रहा है हमें, और लैपटॉप को साइड में रख देते हैं। ये जो लैपटॉप के साथ आसूस की तरफ से लिटरेचर, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या स्टार्टअप गाइड, ये सारी इन्फॉर्मेशन, वारंटी कार्ड वगैरह होता है, इसको साइड में रख देते हैं। इस बॉक्स में देखते हैं क्या मिला है। ओके, तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि इस वाले लैपटॉप में आपको SSD मिलती है, जो इंटरनल डिस्क रहती है। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए अगर आप चाहे एक्स्ट्रा, जैसे 256 या 1 TB या 500 GB का एडिशनल SSD, इसमें एक एक्स्ट्रा एक स्लॉट मिल जाता है आपको, जिसको आप लगा सकते हैं। तो इसको भी चलिए साइड में रख देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, आसूस की तरफ से इसमें लिखा भी हुआ है 45 वॉट का ये चार्जर मिलता है। बेसिकली ये फास्ट चार्जिंग करा देता है आपको। तो इसके साथ ये कॉर्ड मिल रही है, इसको आप चार्ज कर सकते हैं लैपटॉप को। तो ये भी साइड में रख देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, आसूस की ब्रांडिंग लिख दी गई हुई है लैपटॉप के ऊपर पे। फुली ट्रांसपेरेंट सिल्वर कलर में ये लैपटॉप आपको मिलता है। लैपटॉप के ओवरव्यू की बात करें तो पहले बैक साइड में देख लेते हैं। तो इसमें बैक साइड में आपको दो स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा चार फोर रबर पैडिंग्स जो चार कॉर्नर्स में आपको मिल जाती हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देती हैं लैपटॉप में। और इसके अलावा एक CPU को की कूलिंग के लिए आपको फ़ैन भी मिल जाता है, और ये वेंट्स भी रहते हैं जिसकी वजह से लैपटॉप की कूलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मैंने इसको पहले भी यूज़ करा है तो इसमें हीटिंग का कोई भी इशू नहीं रहता। अब जितना भी हैवी टास्क करोगे, आपको इसमें इन्होंने सफिशिएंट वेंट्स दे रखे हैं, जिसकी वजह से कूलिंग अच्छी बनी रहती है, वेंटिलेशन बनी रहती है CPU में, और हीटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं रहती इसमें। इसके राइट साइड की अगर बात करें तो इसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, Type-C USB स्लॉट मिल जाता है आपको। इसके अलावा आपको वेंटिलेशन ग्रिल्स मिल जाती हैं, जो लैपटॉप की वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक HDMI स्लॉट मिल जाता है यहाँ पे, और 3.1 टाइप ए वाला USB स्लॉट भी आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड की अगर बात की जाए तो लेफ्ट साइड में आप हेक्सिंगटन लॉक मिल जाएगा, दो टाइप ए 2.0 के USB मिल जाएंगे, और एक आपको जैक मिल जाएगा माइक्रोफोन और हेडफोन के कॉम्बो 3.5 mm जैक में, और दो LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जिसमें एक चार्जिंग इंडिकेटर रहता है और दूसरा प्रॉपर जो ऑन स्टेटस आपको दिखाता है लैपटॉप का, वो मिल जाएगा। तो गाइस चलते हैं लैपटॉप का आगे से, मैं आपको लुक दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये लैपटॉप आगे से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको इसमें फुल साइज़ कीबोर्ड मिलता है, वो जो नंबर कीज़ पूरी आपको नंबर कीज़ मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको अलग से जो नंबर कीज़ ऊपर यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, कैलकुलेटर वगैरह के लिए अगर आप ऑफिस के काम के लिए यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सेंसर दिया गया हुआ है, काफ़ी जो पावरफुल सेंसर दिया गया है फिंगरप्रिंट के लिए। अगर आप लॉक कर देते हैं लैपटॉप को तो आप इसको ईजिली अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखोगे आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन में काफ़ी पावरफुल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, उसी तरीके का काफ़ी पावरफुल लगा मुझे ये सेंसर। जब आप इस फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एक सेकंड में आपका जो लैपटॉप है वो अनलॉक हो जाता है गाइस।
तो गाइस कंपनी का दावा है कि जो इसकी जो लैपटॉप जो बूट होता है वो 4 से 5 सेकंड में आपका लैपटॉप बूट हो जाता है, जो कि SSD की वजह से इसकी जो स्पीड है, बूटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको बूट करके दिखा देता हूँ। और जब तक ये लैपटॉप बूट हो रहा है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको मिलता है इंटेल का i3 11th जनरेशन 115G4 का प्रोसेसर, 256GB की आपको SSD रैम मिलती है जो कि एक्सपेंडेबल है। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसमें एडिशनल जो स्लॉट मिलता है उसमें आपको एक्सपेंड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और इसमें आपको 8GB की DDR4 वेरिएंट की रैम मिलेगी, और इसमें बेस वेरिएंट जो होता है इंटेल की तरफ से USD ग्राफिक्स वो मिलेंगे। इसके डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो गाइस 15.6 इंचेस का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको मिलेगा, जो कि 200 नेट ब्राइटनेस डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए गाइस डिस्प्ले की क्लैरिटी देख लेते हैं जल्दी से। मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी सारे एंगल से अगर आप डिस्प्ले को चेक करेंगे तो आपको कोई भी ग्लेयर उसमें नहीं दिखेगा। मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ जैसे कि आप मूवीज़ या गेमिंग वगैरह के लिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलने वाला है गाइस। डिस्प्ले को चेक करने के बाद साउंड ना चेक करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख पा रहे होंगे सोनिक मास्टर की तरफ से इसकी टेक्नोलॉजी जो इन्होंने म्यूज़िक साउंड के लिए दे रखी है, काफ़ी बढ़िया म्यूज़िक है। चलिए मैं आपको क्विकली एक साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ इस लैपटॉप का। तो गाइस वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि इस लैपटॉप का जो वेट है वो अराउंड 1.4 kg के अराउंड है। तो इसको एक स्लिम लैपटॉप तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो या अभी अगर आप लाइट गेमिंग करते हो या बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेस्ट बाय हो सकती है। आप चाहे तो मैंने लिंक नीचे अमेज़ॉन पे परचेज़ करने का दे रखा है बेस्ट बाय का, ये आपको 40 to 41,000 के अराउंड उस रेंज में मिल जाएगा गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेश्चंस हो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।